बहुत बार ऐसे होता है दोस्तों कि बहुत लोगों ने साथ में जर्नी स्टार्ट किया होता है, एजुकेशन, स्कूलिंग, कॉलेज, जॉब, वो सब भी साथ में होता है, फिर भी बहुत लोग हमसे आगे निकल गए, बहुत बड़े हुए और हम वहाँ के वहाँ ही रह गए। हमारी ग्रोथ उतनी नहीं हुई जितनी उनकी हुई थी। ऐसा क्यों? बहुत बार ऐसे लगा होगा कि ऐसा क्यों होता है, और शायद आप कंपैरिजन में जाते हो, उनका नसीब अच्छा होगा, उनकी सिचुएशन ऐसी होगी, उनको गाइडेंस मिला होगा, और आप अपने आप को कम समझते हो कि आपका नसीब ही नहीं है या फिर और भी कोई वजह हो। लेकिन दोस्तों सच में वजह नसीब की होती है या फिर कोई और भी होता है, तो आइए जानते हैं एक स्टोरी के साथ। सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल KD सुषमा एंड प्रेस द बेल आइकॉन, बी रेडी टू ग्रो योर बिजनेस वर्ल्ड वाइड। इतने मतलब अच्छे थे कि उसका हर सवाल का जवाब देते थे, उनको भी बहुत अच्छा लगता था उसके साथ बातें करना, सवाल का जवाब देना। एक बार ऐसे हुआ, राजू ने एक सवाल किया दादाजी से कि दादाजी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पापा और उनके जो दोस्त थे वो साथ में स्कूल में गए, साथ ही एजुकेशन किया, सब साथ में किया, फिर भी अभी भी पापा से भी वो ज़्यादा आगे बढ़े है, पापा से भी वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, मतलब हम भी है लेकिन उससे भी आगे वो क्यों है? अगर सब साथ में हुआ तो भी इतना डिफरेंस क्यों आया उसमें? और ये सवाल मुझे बहुत परेशान करता है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो दादाजी मुस्कुराए और उसको बोला राजू को कि ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं तुझे कल देता हूँ। और राजू बहुत मतलब वेट कर रहा था कि कल सुबह कब होगी और दादाजी मुझे कब आंसर देंगे उसका। अब कल सुबह होने के बाद दादाजी राजू को लेके मार्केट गए, और मार्केट में जाने के बाद उन्होंने 2 पौधे खरीदे। अभी वो 2 पौधे वो घर लेके आए, और घर आने के बाद उन्होंने राजू को बोला कि अभी इसमें से 1 पौधा हम घर के अंदर लगाएंगे और दूसरा पौधा बाहर बगीचे में लगाएंगे। ठीक है, राजू ने बोला, जैसे दादाजी ने कहा वैसे राजू ने कर दिया। फिर दादाजी बोले कि अभी इस पौधे को हम बड़ा होने तक वेट करेंगे, तब जाके मैं तुझे तेरे क्वेश्चन का जवाब दे पाऊंगा। अभी जैसे दादाजी ने बोला वैसे राजू ने किया, 1 पौधा घर के अंदर लगाया और दूसरा पौधा बाहर बगीचे में लगाया। अब दादाजी ने राजू को बोला कि हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और तब जाके तुझे तेरे क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। अभी दादाजी ने जैसे कहा वैसे राजू ने थोड़ा वेट किया। अगले छुट्टी को आया तब वो दादाजी के पास गया कि जो सवाल मैंने आपको पूछा था, जो पौधे हमने लगाए थे उसका क्या हुआ? अब दादाजी उसको लेके अंदर वाले पौधे के पास गए और राजू को बोला उन्होंने कि देख अभी ये पौधा तुझे क्या लग रहा है, जो पौधा हमने लगाया था जो छोटा था अभी वो इतना बड़ा हुआ है। राजू ने उस पौधे को देखा और उसको ये भी लगा कि वो पौधा काफ़ी बड़ा हुआ था। अभी राजू बाहर वाले बगीचे वाले पौधे के पास गया, लेकिन राजू उसके पास जाने के बाद वो बहुत चौंक गया कि अंदर वाले पौधे से भी बहुत बड़ा पौधा ये बाहर वाला था। उसको बहुत फल फूल आए थे, वो बहुत ग्रो हुआ था और बहुत मतलब बड़े वृक्ष में ऐसा उसका रूपांतर हुआ था। जो अंदर वाला पौधा सेम ही था लेकिन फिर भी इतना बड़ा नहीं हुआ था। अब वो फिर से दादाजी के पास गया और उनको बोला कि ऐसा क्यों हुआ? मेरा सवाल तो अलग था लेकिन फिर भी अभी एक सवाल ये आया कि अंदर वाला पौधा इतना छोटा और बाहर वाला पौधा इतना बड़ा कैसे हुआ? अभी दादाजी ने बोला यही तो तेरे क्वेश्चन का आंसर है, यही तो तेरे सवाल का जवाब है कि अंदर वाला पौधा छाव में पला बड़ा, उसको हमने बहुत केयर किया इसलिए वो उतना ही रहा, लेकिन बाहर वाला पौधा उसको केयर करने के लिए कोई नहीं था। अगर हम पानी भी डालते तो ठीक है, कभी कभी करते थे उसकी केयर, लेकिन फिर भी उसको धूप भी लगती थी, बारिश भी आती थी, तूफान भी आते थे, लेकिन फिर भी उस पौधे को अपने आप ही खड़ा होना पड़ा और उसके कारण वो सिचुएशन के साथ, उस परिस्थिति के साथ झगड़ने के लिए तैयार हो गया। उस सिचुएशन ने, उस धूप ने, बारिश ने, तूफान ने उसको सिखाया कि कितनी भी परिस्थिति आए फिर भी वो कैसे तैयार हो सकता है, फिर भी वो खड़ा कैसे हो सकता है। और अभी देख, ये अगर अंदर वाला पौधा अगर हमने कुछ दिनों के लिए या कुछ घंटों के लिए भी अगर धूप में रखा तो भी ये जल जा सकता है, अगर बारिश में रखा तो भी ये मुरझा जा सकता है, लेकिन वो बाहर वाला पौधा कितनी भी धूप हो, कितनी भी बड़ी बारिश हो, फिर भी उसको कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ही क्या है? तेरे पापा एक सिक्योर एनवायरनमेंट में पले बढ़े, लेकिन उनके जो दोस्त थे उनको हर परिस्थिति का सामना करना पड़ा, उनको हर वो तकलीफ झेलनी पड़ी जो शायद तेरे पापा को नहीं मिली होगी। क्योंकि हम आपके पापा के लिए थे इसीलिए उनको बहुत सिक्योर एनवायरनमेंट मिला और आपके पापा कम्फर्ट जोन में ज़्यादा पले बढ़े, लेकिन उनके जो दोस्त थे उनको वो कम्फर्ट जोन ही नहीं था क्योंकि उनकी केयर करने के लिए कोई नहीं था, इसीलिए वो हर एक परिस्थिति का सामना करते करते वो इतने स्ट्रांग हो गए, वो इतने खड़े हो गए कि अभी वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब ही क्या है बेटा,
कि जब भी आप कुछ परिस्थिति का सामना करते हो तो वो परिस्थिति आपको खड़ा करती है, और आप इतने खड़े हो जाते हो, इतने बड़े हो जाते हो, अभी कोई भी मुश्किल आए, कोई भी संकट आए, कितने भी प्रॉब्लम्स आए तो भी आप नहीं घबराते। लेकिन यही बात अगर अंदर वाले पौधे की होती है, जो इंसान कंफर्ट जोन में रहता है उसके साथ अगर हुई, तो कुछ भी प्रॉब्लम छोटा भी आए तो भी वो मुरझा जाता है, तो भी वो उसका सामना नहीं कर पाता। और इसी के कारण अगर आपको बड़ा होना है, खड़ा होना है और सक्सेसफुल बनना है, तो आपको परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। कुछ धूप भी झेलनी पड़ेगी, कुछ बारिश भी सहन करनी पड़ेगी, कुछ तूफान भी आएंगे जो आपको तोड़ देंगे, ऐसा भी हो सकता है लाइफ में। लेकिन अगर आप उनसे भी आगे चले गए तो आपकी तरक्की को कोई भी नहीं रोक सकता। तो शायद बेटा अभी आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा कि अगर तुझे भी पापा नहीं बनना है या फिर वो दोस्त भी नहीं बनना है, लेकिन उनसे भी आगे जाना है, लाइफ में बड़ा होना है, तो आपको परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। तो अपने आप को कंफर्ट जोन में मत रखना कभी भी, वो सिक्योर एनवायरनमेंट जो है उससे बाहर निकलना। जब भी आप ज़मीन पे खड़े होके हर एक का सामना करोगे तब जाके आप लाइफ में बड़े होगे। तो दोस्तों शायद आपको भी समझा होगा, अगर आपको बिजनेस भी करना है या फिर लाइफ में कुछ भी आपको सक्सेस पाना है या लाइफ में जो भी कुछ आपको बनना है, तो शायद आपको पता चला होगा कि हर एक परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। वो जो कंफर्ट जोन में आप इतने सेफ एनवायरनमेंट में रहने लगे हो अभी, उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको ब्रेक करना पड़ेगा, और तब जाके कुछ तो हासिल होगा। तब जाके आपको ये सवाल नहीं होगा कि साथ में चलने के बाद भी कुछ लोग आगे क्यों निकल गए और हम पीछे क्यों रह गए। तो मुझे पता है कि आपको ये पता चला होगा कि अभी आपको आगे जाने का रास्ता क्या है। तो अभी भी वक्त नहीं गया है, कंफर्ट जोन को ब्रेक करो, उस सिक्योरिटी को ब्रेक करो, रिस्क उठाओ, खड़े रहो, और सच में जीत आपकी होगी। सो फॉर मोर स्टोरीज, मोर सक्सेस एंड मोर मोटिवेशनल वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।